मगनी राम राम। मेरे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, टोटल दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कोई भी सॉलिड हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपका एटम हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी प्रकार का मैटर हो, किसी भी प्रकार का मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सारे के सारे किससे मिलकर के बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है आपका एटम हो, अगर कोई मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है तो वो उसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके एटम्स होंगे। अगर कोई आयनिक सॉलिड है देन वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयन्स होंगे, जैसे कि आपका NaCl हो गया। तो यहाँ पर क्या है, Na प्लस प्लस Cl माइनस क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि आइस, तो यहाँ पे क्या है आपका H2O क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। अब इन एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स में सॉलिड्स में इनका अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्या वहां पर अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, क्या वो व्यवस्थित तरीके से जब अरेंज्ड है या फिर अव्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड है, कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी बेसिस पे दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। समझ में आया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि हमारा जो सॉलिड है कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टोटल दो पार्ट्स में है ना। हमारा जो सॉलिड है उसको अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो पार्ट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स। समझ में आया। अब इन दोनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, एक साथ हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। चलें देखिए, अभी तक समझ में आया किस बेसिस पे हम सॉलिड्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, हमने क्या बताया कि अरेंजमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, यानी कि वो एक सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज हो सॉलिड में, या फिर अव्यवस्थित तरीके से वो अरेंज हो। जैसे कि कोई क्लासरूम होता है तो वहां पर सभी स्टूडेंट्स को एक व्यवस्थित तरीके से जो है बैठा दिया जाता है ना, कि मैथ्स के अलग हो गए या फिर बायो के अलग हो गए या फिर एक ही क्लास में गर्ल्स बॉयज को अलग अलग कर दिया, इस प्रकार से एक व्यवस्थित ढंग से उनको बैठाया जाता है, पंक्तिबद्ध उनको बैठाया जाता है ना, लाइन वाइज उनको बैठाया जाता है। सेम इसी प्रकार से क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, क्लास रूम में स्टूडेंट्स को जिस प्रकार से बैठाया जाता है वो क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया है ना, सभी को एक फिक्स सीट दे दी कि आपको इसी प्लेस पे आपको डेली यहीं पे बैठना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड में देखते हैं तो वही बच्चे चारों तरफ से अपने को दिखाई देते हैं है ना, तो वहां पर क्या हो गया, ग्राउंड में तो एक इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, और क्लासरूम में क्या होगा, वो एक व्यवस्थित तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ गए, कौन, सारे के सारे बच्चे है ना। सेम इसी प्रकार से क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी एक रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे और एक इरेगुलर अरेंजमेंट में। अब जैसे कि कोई भी सॉलिड है ना, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो वहां पर हम थ्री डायमेंशंस की बात करेंगे, किसी भी सॉलिड के तीन ही डायमेंशंस होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट में, क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेगुलर रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब ये रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट क्या है उसको जरा समझते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास कोई सॉलिड है Na+ और Cl-, यानी कि NaCl का कोई एक क्रिस्टल है। क्या है, हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो यहाँ पे देखिए, सपोज Na+ Cl-, Cl- और Na+ Cl-, एक इस प्रकार से हमारे पास Na+ के बाद में Cl-, Na+ Cl- Na+, सॉरी देखिए हमारा Na+ Cl- एंड Na+, यहाँ पे क्या है Cl-, Na+ Cl-, फिर से क्या गया Cl- के बाद में Na+ Cl-, Na+ Cl- और Na+। एक अरेंजमेंट हमारा कुछ इस प्रकार का है, और एक अरेंजमेंट, चलिए इसको पहले समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो Na+ के बाद में कौन आ रहा है, Cl-, और Cl- के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, Na+, ठीक है। फर्दर आप आगे की ओर मूव करेंगे तो क्या देख रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे Na+ के बाद में Cl- ही नजर आ रहा है, और Cl- के बाद में आपको Na+ ही दिखाई देने वाला है। ये एक लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक होता है, जितना भी आप आगे तक जाते हैं आपको सिर्फ एक ही अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें Na+ के बाद में Cl- आएगा और Cl- के बाद में Na+ आएगा, यानी कि सेम पैटर्न, जैसे Na+ Cl- और Na+, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, जो पैटर्न है आगे का एकदम सेम आ रहा है, कि हर प्लेसेस पे आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, चाहे इस डायरेक्शन में चले जाए, चाहे पीछे की, यानी कि जो ये वाले डायरेक्शन है इसमें आप चले जाइए, तो Na+ के बाद में भी Cl- है और Cl- के बाद में भी क्या है आपके Na+ है। सपोज ये पूरा एक सॉलिड है, तो यहाँ पे इस बोर्ड में फिर अपने को केवल दो ही डायमेंशन नजर आ रही है, एक डायमेंशन ये वाली है, एक डायमेंशन ये वाली है, और एक डायमेंशन ऊपर की ओर आती है, जिसे हम यहाँ पे श्योर नहीं कर सकते, या फिर बैक साइड में आप उसको मान लीजिए, है ना। तो ये क्या होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गई, जिसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है, जिसमें Na+ के बाद Cl- और Cl- के बाद Na+ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ, अब पीछे के डायमेंशंस को अपन यहां पे शो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या, अभी देखिए, एक डायमेंशन ये वाली हो गई हमारी, ओके ये वाली डायमेंशन हो गई, और एक डायमेंशन हमारी ये वाली हो गई। अब इसकी जो थर्ड डायमेंशन उसको कैसे शो करेंगे, हम कुछ इस प्रकार से अपने इसको शो कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये वाली क्या होगी, इसकी थर्ड डायमेंशन हो गई, एक डायमेंशन ये वाली हो गई, और एक डायमेंशन ये वाली हो गई। तो तीनों ही डायमेंशन में सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें Na+ के बाद में Cl- ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक Cl के चारों ओर आपको क्या मिलेंगे, Na+ के आयंस आपको देखने को मिलेंगे, और एक Na+ के चारों ओर आपको Cl- के आयंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट, जो कि आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाया जाएगा, ठीक है। अब इरेगुलर कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको Na+ के बाद में Cl-, ये वाला आपको जो है फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सपोज आपके पास Na+ के बाद में फिर से Na+ आ गई, और यहाँ पे Cl- आ गई, तो देखिए यहाँ पे Na+ के बाद Cl-, Na+ के बाद Cl-, इस तरीके से आपको दिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए Cl- के बाद Na+, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पैटर्न थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, Na+ के बाद में Na+ आ गया, और यहाँ पर पैटर्न फिर से फॉलो हुआ, Na+ के बाद Cl-, यहाँ पर पैटर्न ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे देखिए Cl- के बाद फिर से Cl- आ गया, तो यहाँ पर भी पैटर्न ब्रेक कर चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक इररेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे, जहां पर एक सेम पैटर्न अपने को देखने को नहीं मिलता, दो अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है और इररेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। अरेंजमेंट
अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पे लिख सकते हैं सॉलिड्स इन विच, या फिर ऐसे लिख लीजिए अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रेगुलर एंड डेफिनेट इन थ्री डायमेंशंस ऑफ सॉलिड एंड दे रिपीट itself at long range distance. ठीक है, तो यहां पर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं थ्री डायमेंशंस में हमारे सॉलिड की, और साथ में ये जो है एक लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है, एक ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है जिसे हम रेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे, वो एक लॉन्ग रेंज डिस्टेंस तक अपने को देखने को मिलता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। यहां तक का समझ में आया, वो डायग्राम आप बना लीजिएगा इसके नीचे Na प्लस Cl माइनस वाला जिसमें अपन ने रेगुलर अरेंजमेंट दिखाया था। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। अच्छा, इन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स भी हम इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। और एक और चीज इसमें कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है, चलिए आगे लिखेंगे। ओके, डेफिनेट डेफिनेट ज्योमेट्री, इनमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक डेफिनेट ज्योमेट्री पाई जाती है। अब डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे हमारा जो सॉलिड होगा उसमें एक सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है वो एटम हो, आयन हो, फिर कुछ भी हो। ठीक है, अगर इसमें बहुत सारे क्या मॉलिक्यूल्स है तो इन मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ एक ज्योमेट्री होती है, कुछ ना कुछ इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। तो सेम ज्योमेट्री, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप हमारे मॉलिक्यूल का पूरे सॉलिड में क्या होता है, एक समान होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें पूरे सॉलिड के अंदर एक ही प्रकार की मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री प्रेजेंट होने वाली होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे हमारे सॉलिड की। ठीक है, और एक और चीज कि इनमें जो है सार पेजेस होते हैं, सार एजेस पाए जाते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जैसे कि आपने कोई पेज देखा होगा, आपकी जो नोटबुक है उसका आप कोई भी पेज देख लीजिए कि उसका जो कोना होता है वो काफी आपको जो नुकीला निकुला सा देखने को मिलता है, यानी कि वो पेज आपका क्या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। जितने भी वुड्स होती हैं, या फिर आपने ग्रेफाइट देखा होगा, या फिर आप समझ लीजिए कि आपने ग्रेनाइट तो देखा ही होगा, है ना। ग्रेनाइट जब आपसे जो पीसेस कट के निकलते हैं ट्रेलर्स में जाते हुए आपने देखे होंगे बहुत सारे ग्रेनाइट्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको, तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उसका जो स्क्वायर होता है उसमें बहुत सारे कोने आपको नजर आते हैं, सारे के सारे कोने क्या होते हैं, नुकीले कोने होते हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे, शार्प एजेस बोलेंगे। और जब भी किसी नुकीली चीज से, यानी कि शार्प किसी भी, जैसे कि हमारे क्या है स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको कट करते हैं तो क्या होगा, आपको फिर से क्या मिलेगा, एक शार्प एज ही देखने को मिलता है, वहां पर कोई कर्व एज आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और साथ ही जो इसका थर्ड पॉइंट है कि डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, शार्प एजेस प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और फ्लैट फेस भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैट फेस, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, फ्लैट फेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, इसका फेस देखिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि
किसी प्लेस पे ऊपर चला गया या फिर नीचे हो गया, ऊपर यानी कि ऊपर का अपन बोलते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एक प्लेन सरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फेस बोलते हैं। तो सभी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगी उसको जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको कट करते हैं तो आपको फ्लैट फेस आपको देखने को मिलता है एकदम, मतलब उसमें कोई रफनेस नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ आपको फेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कीजिए। अब इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं उनको जरा देखते हैं। कितना हो गया, चले देखिए। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज खास बात होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इसका प्रॉपर्टीज में आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, सॉरी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है हमारा ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, इसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर्स को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सॉलिड हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब कई केसेस में आप देखते हैं कि कोई रिएक्शन होती है या फिर कोई भी सॉलिड होता है वो एक टेम्परेचर की रेंज में कन्वर्ट होता है, किसमें, सॉलिड से लिक्विड में। जैसे कि वो 5 डिग्री से लेकर के या फिर 10 डिग्री के बीच में क्या हुआ, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। एक रिएक्शन हमारी ये है जिसमें 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वो 5 डिग्री में भी कुछ मॉलिक्यूल उसके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, 6 डिग्री पे भी हो सकते हैं, 8 डिग्री पे भी होंगे और 9 डिग्री पे भी उसमें क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स लूज होंगे इस प्रकार से। एक होता हमारा ये वाला और एक होता हमारा कि सॉलिड है वो एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे कि हमने कोई H2O लिया है यानी कि आइस लिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने वाटर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हमारा आइस एक सॉलिड स्टेट होती है और वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आप अगर देखेंगे, आप सभी को मालूम है कि आइस जो है, अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये होता हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये नहीं कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, या फिर 1 डिग्री भी नहीं कहेंगे आप, 3 डिग्री भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, -1 डिग्री भी आप नहीं कहेंगे। क्या होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर हो गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही पूरा का पूरा जो आइस है वो सॉलिड में, यानी कि जो सॉलिड है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक फिक्स टेम्परेचर गया, ये क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या हो गया हमारा एक रेंज में जो है टेम्परेचर की एक रेंज में सॉलिड से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें, दोनों में क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो जब भी कोई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है, और अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर की परास में, टेम्परेचर की किसी रेंज में अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। अभी समझ में आया, तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के केसेस में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको समझते हैं कि कैसे कैसे। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो, जैसे कि वाटर है, ठीक है, आप सपोज इस तरीके से चलिए, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉट वाटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या होगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगी,
इन दोनों के बीच में भी जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, सेम डिस्टेंस हर एक मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, सेम डिस्टेंस होने वाली है। जितनी डिस्टेंस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में है उतनी डिस्टेंस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी है। हर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी। और उसका रीजन है क्योंकि सभी जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 हर एक जगह पे, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग नहीं होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर भी होगा। इससे होगा क्या कि जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ की है उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ की है, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, इस बॉन्ड को लूज करवाने के लिए जितना टेम्परेचर अपने को इस बॉन्ड को देना पड़ेगा उतना ही टेम्परेचर अपने को इस बॉन्ड को देना पड़ेगा, उतना ही हमें टेम्परेचर इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए भी देना पड़ेगा, सेम टेम्परेचर अपने को इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए भी देना पड़ेगा। अगर हमने इस बॉन्ड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लूज करवाया है जिससे वो सोलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो इस बॉन्ड को भी अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही क्या हो जाएगा, ये भी लूज हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लूज होगा, क्योंकि सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है सभी प्लेसेस पे। हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में क्या होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेम होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे 7 मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे क्या करेंगे, लूज करेंगे, क्योंकि सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, जिसकी वजह से अपने को सभी बॉन्ड्स को सेम टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया कि 7 मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ। चलिए, सेम बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होता है, सेम होता है हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, जिससे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, सेम ही होती है पूरे क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, बस इस चीज को पकड़ के बैठ जाओ, आप सारे के सारे पॉइंट निकाल के ले आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड है अपना हीट ऑफ फ्यूजन। इसी से मिलता जुलता है हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, कोई भी सॉलिड है अगर उसको हीट दे रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था अपना मेल्टिंग पॉइंट, 7 मेल्टिंग पॉइंट था, यानी कि अपन इसको क्या कर रहे थे, एक डेफिनेट टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या होगा, हमारा ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट टेम्परेचर पे, यानी कि हमने डेफिनेट एक फिक्स टेम्परेचर दिया और उस फिक्स टेम्परेचर पे ये जो बॉन्ड्स है, इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच के जो बॉन्ड्स है, ये क्या करेंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज्ड हो जाएंगे, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे हम, इसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, जो कि क्या होगी, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होने वाला। क्या होगा यहाँ पर, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक डेफिनेट हीट देने पे क्या होगा, उस इन बॉन्ड्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। चलिए, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, क्लीवेज, जो है इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा, क्लीन क्लीवेज होगा। क्या होगा, क्लीन क्लीवेज। कैसे, देखिए हमने कहा था हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, सेम होगा। जैसे कि मानिए एक जस्ट एग्जाम्पल है, इसको सपोज करके मान के चलिए कि ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब सपोज हमने क्या किया है कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, ऑलराइट। इस तरीके से अपने पास क्या है, इसका एक अरेंजमेंट हो गया, ये कुछ इस प्रकार से है,
ये क्या हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, यहां से इसको ब्रेक करते हैं किसी शार्प जो ऑब्जेक्ट से, आप इसको कट करते हैं तो देखिए ऊपर वाले पोर्शन को जरा हटा के देखिए, आपको यहाँ पर कहीं भी ऊपर का पर नजर आई बिल्कुल भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल एक ही लेवल से क्या है उनको काटा गया। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का हो, जैसे सपोज जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार का हो जिसमें पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज हैं, इस प्रकार से कुछ इस तरीके से आपके पार्टिकल्स अरेंज हैं। अब जरा इसको यहां से कट करके देखिए यहां से, तो ये अपन बेसिकली क्या बना रहे हैं, एक क्लीवेज प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको जरा देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है। अब देखिए इस वाले पार्टिकल की सरफेस और इस पार वाले पार्टिकल की सरफेस क्या सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस नहीं आई। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये जो प्लेन है ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे भी देखिए आपके यहाँ पे गड्ढा बन गया। अब देखिए ये वाले प्लेन जो है आपको इस प्रकार की मिली है, देखिए। अब आप मुझे कह सकते हैं या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये एक प्लेन है या फिर प्लेन सरफेस है, नहीं कह सकते ना। यहाँ पे क्या है, आपको ऊबड़ खाबड़ देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपके अमोर्फो सॉलिड्स का ही एक एग्जांपल है, आपके अमोर्फो सॉलिड्स में आएगा या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लीन यानी कि जो क्लीन क्लीवेज होगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक जो है क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है कंप्रेसिबिलिटी, इसको थोड़ा रफ कर दे, चलिए ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल कैसे समझते हैं, देखिए इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि इन सॉलिड्स को फर्दर कंप्रेस नहीं करवाया जा सकता। कंप्रेस का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये इस प्रकार से कुछ सॉलिड है, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है, और सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में भी होगा। जिसकी वजह से क्या होने वाला है, इन सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स लगा, यानी कि अब अगर ये एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को फिर से रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए अगर आप इसको यहां से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले से ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके हैं मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कि अब ये और ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते, तो अगर आप इसको कंप्रेस करवाने की कोशिश करेंगे तो अंदर से भी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये अब मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स तक तो पहले चले जा चुके हैं, लेकिन आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से क्या ये इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि सारा का सारा जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में सेम होता है और मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच, जिसकी वजह से क्या होती है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रिजिडिटी। क्या है रिजिडिटी, यानी कि इसकी कठोरता क्या होती है। देखिए ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे सेम कॉन्सेप्ट सही सभी जगह पे लगने वाला है, रिजिडिटी क्या होने वाली है, ये रिजिड होंगे, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। आपने सॉलिड के बारे में सुना होगा, सॉलिड ऑलरेडी क्या होते हैं, थोड़े से ठोस प्रवृत्ति के होते हैं ना,
कठोर प्रकृति को। अब कैसे आप आइडिया लगाएंगे, आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बीच में एक मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने पास में आ जाते हैं कि एक क्लोज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहते हैं, और उस क्लोज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो पार्टिकल्स उतना ही एक दूसरे के पास आएंगे, और उससे उनको फिर अलग करना या फिर उनमें स्मूथनेस लाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होते हैं, काफ़ी कठोर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, कौन, क्रिस्टल आयन सॉलिड्स। इतना समझ में आया। तो रिजिडिटी क्या होती है, इनकी रिजिड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं, कौन, क्रिस्टल आयन सॉलिड। जैसे कि आप रॉक्स को देख लीजिए, रॉक्स आपकी ग्रेनाइट्स हो गई, मार्बल्स हो गई, जितने भी स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपकी क्रिस्टल आयन सॉलिड्स ही होते हैं, और काफ़ी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जितने भी आप मेटेलिक सॉलिड्स देखते हैं, प्योर मेटेलिक सॉलिड्स, वो सारे सारे आपके क्या क्या आपके क्रिस्टल आयन सॉलिड्स होते हैं। जितने भी प्योर मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, वो क्या आपकी क्रिस्टल आयन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अभी सारे एग्जाम्पल्स अपन कवर करेंगे। अब इसका जो सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट क्या है, आइसोट्रोपिज्म, यानी कि ये जो क्रिस्टल आयन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। सिक्स पॉइंट इसके कि क्रिस्टल आयन सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। और एन आइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहाँ पर उसको कवर करेंगे, उसका एक अलग लेक्चर आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, और आइसोट्रोपिक नेचर का होता है आपका एमोरफस सॉलिड्स। एमोरफस सॉलिड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इसका जो सेवन पॉइंट है आपका कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व क्या होता है, देखिए अगर आप किसी भी, जैसे कि आपके पास वाटर है, ठीक है, H2O, इनका कूलिंग कर्व कैसा आपको देखने को मिलता है उसको ज़रा समझते हैं। ये क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या है आपका समय, यानी कि टाइम, इधर क्या है आपका टाइम, ठीक है। देखिए हम वाटर से यानी कि लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा H2O है जो कि किसमें है, लिक्विड में है, ठीक है। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप समय के साथ जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, किसका, वाटर का, यानी कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे सपोज मान लीजिए आप 15 डिग्री आ गया, यहाँ पे आपके 10 डिग्री, और यहाँ तक आते आते आपके क्या हो गया, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, किसका, आपके वाटर का। यहाँ पे मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये वाला आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये वाला आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका 10 डिग्री और ये आपका 5 डिग्री, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए। अब यहाँ तक आपका क्या हो गया, एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, कौन, वाटर का। अब क्या होगा, इसका फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अब वाटर का क्या होने वाला, फ्रीजिंग होने वाला, यानी कि फ्रीजिंग। अब समय के साथ क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा, पहले उसका सोलिडिफिकेशन होगा, किसका, वाटर का, क्या होने वाला है, सोलिडिफिकेशन, यानी कि इसका क्या होने वाला है, फ्रीजिंग होने वाली है, ठीक है। जब इसका सभी मॉलिक्यूल्स का सोलिडिफिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या हमारा सॉलिड, जिसका क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। आप इसका 2 डिग्री थी, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, जितना घटा उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट अपने को लाइन मिली है, एक कांस्टेंट लाइन मिली है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरे H2O मोलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कर्व आपको देखने को मिलता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या है, एक कूलिंग कर्व होता है, जिसमें आपको एक कांस्टेंट लाइन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है आपका
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, सोलिडिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ठीक है। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे, आई मीन कि ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने 7 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा, हीट ऑफ फ्यूजन देखी, और हमने क्या देखा, क्लीवेज है, इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी हमने देखा, रिजिडिटी हमने देखी, कंप्रेसिबिलिटी देखी, आइसोट्रोपिज्म देखा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और इनका पूरी कर्व हमने फाइनली देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एमोरफोस सॉलिड्स के बारे में कि एमोरफोस सॉलिड्स क्या होता है। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है और इरेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। तो जितने भी आपके एमोरफोस सॉलिड्स हैं, एमोरफोस सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स विच इन सॉलिड्स विच इन इरेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट इन, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉलिड्स विच इन रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर ओनली शॉर्ट रेंज डिस्टेंस and most of the constant particles are arranged in irregular arrangement. These type of solid is called amorphous solids arrangement in 3 dimension. ठीक है, तो ऐसे solids को हम क्या बोलेंगे, amorphous solids बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, irregular arrangement mostly आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है उसमें regular arrangement कुछ short distance के लिए आपको देखने को मिल जाए, लेकिन long range distance तक अगर आप देखेंगे, maximum आप देखेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ irregular arrangement ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, एमोरफोस सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, सेम वही से स्टार्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पहला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट और ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट बताने की आई थिंक की नीड नहीं होगी, ठीक है। इसको एक डायग्राम बना लेते हैं कि सपोज ये कुछ इस प्रकार से है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इसमें, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक में इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ये सपोज आपका क्या है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किसमें, अमोरफोस सॉलिड्स के अंदर। अब देखिए, इनमें डिस्टेंस जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, हो सकता है कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो जाए। सपोज यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अगर यहाँ पे ये पास हैं तो इन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फिर इन दोनों के बीच में कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, हो सकता है डिस्टेंस कम ज्यादा, इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। अब ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ उसको जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इन दोनों कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस और भी ज्यादा है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा बहुत कम हो गया, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है, है ना, इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस बहुत कम है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, अगर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, अपने को
इस बॉन्ड को और ज्यादा लूज करवाने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में लाने, लिक्विड के कंडीशंस में लाने के लिए अपने को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से क्या ये बॉन्ड्स लूज है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पहले से ही कम है। तो यहाँ पे अगर अपने को 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ा, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है बहुत कम है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को लूज करवाने के लिए अपने को एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सपोज अपने को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाकर के ये बॉन्ड लूज होगा, और ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर क्या हो जाएगा, लूज कर जाएगा। यानी कि अगर आप इसको 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होगा, एक टेम्परेचर की रेंज होगी, तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये लूज कर जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं होगा 5 डिग्री, ये 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, और 10 पे जाकर के क्या होगा, ये बॉन्ड लूज करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर की एक रेंज आ गई, ठीक है। तो अब इस प्रकार से क्या होगा, सपोज ये आपके 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लूज हो जाएगा, सपोज ये वाला आपके 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, सपोज ये आपका 9 डिग्री के ऊपर होगा। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो एक फिक्स अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, फिक्स डिस्टेंस सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में पॉसिबल नहीं होती, किसमें, एमोर्फस सॉलिड्स में, जिसकी वजह से ये कुछ वेरिएशन आते हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी चीजें क्लियर होती, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बॉन्ड डिस्टेंस, अट्रैक्शन फोर्स सभी जगह पे सेम नहीं होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट आया, ठीक है, किसकी वजह से, कॉज ऑफ डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर अपने को टेम्परेचर भी अलग अलग प्रकार का देने पड़ेगा, जिसके बाद क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, ठीक है। अब इन्हें हम फॉल्स सॉलिड्स भी बोलते हैं, कई बार अपने इसको स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, इनको एमोर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। अब कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर जो बहुत पुरानी इमारतें होती है उनमें जो कांच लगे हुए होते हैं, उन कांच में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब टेम्परेचर अपने का देखिए, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है, कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कभी 45 डिग्री, कभी 40 के आसपास, कभी 30-33, है ना। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर सपोज यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, इस प्रकार से कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं इस वाले कांच के, अगर यहाँ पे कम डिस्टेंस है तो सपोज ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और 45 तो काफी मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए और भी ज्यादा कम डिस्टेंस आपको दिख रही है। तो ये सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लूज हो जाए, और बॉन्ड लूज हो गया तो ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है ये नीचे आना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ये सपोज 30 नहीं होकर के आप मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इस कांच के जो आपकी खिड़की है उसमें दिख रही होगी, उस खिड़की में होंगे ऐसे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, नीचे नीचे आएंगे, जैसे जैसे मेल्ट करेंगे वैसे वैसे नीचे आ जाएंगे। अब जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा वो अब यहाँ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे वो मेल्ट करेगा, जो कि इतना पॉसिबल तो होता भी नहीं है। इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स जो कांच की खिड़की के होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि इसकी जो यहाँ की जो परत होती है क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो लो टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते थे वो हो चुके हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, समझ में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। अब इस चीज को आप दिमाग में छाप लीजिए कि अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है,
इसलिए टेम्परेचर की एक रेंज में होता है। यही कॉन्सेप्ट अपने को बार बार लगाना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस क्या होती है, अलग अलग होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सारे पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब जो सेकेंड है वो क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, आपको देखने को मिल रहा है कि क्या यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स को एक सेम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होता है। ये क्या हमारा ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन जो है डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, समझ में आ गया रीजन आपको। चलिए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं, क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, हार्ड नहीं होते। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स कम है, कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो ओवरऑल क्या रहता है, ये इसमें रिजिडिटी नहीं होती, ठीक है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, आपके कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं, कैसे जब दिमाग लगा, ये कंप्रेसिबल दिमाग लगा। देखिए अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये दो चीजें हैं आपके, सपोज कुछ इस प्रकार से है। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे तो कम है, लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम, जिसकी वजह से कंप्रेसिबल तो नहीं होंगे, ये वाला पार्ट कंप्रेस्ड नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन क्योंकि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से ये वाला पोर्शन तो कंप्रेस्ड हो सकता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिबल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एक कंप्रेसिबल मॉलिक्यूल्स हो गया, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या है ज्यादा है, किसी में बहुत डिस्टेंस बहुत कम है, तो जहां पर बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिबल हो जाएंगे, वो आराम से क्या हो सकते हैं, अंदर की ओर दबाए जा सकते हैं, ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं, कौन से, हमारे एमोरफस सॉलिड्स। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, क्लीवेज। यहाँ पर क्लीन क्लीवेज नहीं आपको देखने को मिलता है। डू नॉट हैव क्लीन क्लीवेज, इसको मैंने आपको पहले समझाया था,